अस्सलामुअलैकुम एंड गुड आफ्टरनून फॉर एवरीवन। आज सभी का रोज़ा होगा, माशाल्लाह मेरा भी रोज़ा है। तो अब दोपहर का टाइम हो गया, तो मैं दोपहर के टाइम पे किचन में आई हूँ। तो आज बनाते हैं अरसलान कलकत्ता बिरयानी। तो अरसलान कलकत्ता बिरयानी बहुत ही टेस्टी एंड क्विक जल्दी बन जाती है, बहुत ही ईजी ट्रिक है। तो यहाँ पर मैं आज बना रही हूँ कलकत्ता अरसलान बिरयानी। यहाँ पे इसके लिए पहले मैं इंग्रेडिएंट्स आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैंने ब्लैक पेपर लिया है, अपने स्पाइसी के हिसाब से लीजिएगा। मैं वहाँ यहाँ पे 1/2 kg चिकन एंड 1/2 kg राइस के हिसाब का बनाया है। यहाँ पे लिया है मैंने काले मिर्ची, मतलब ब्लैक पेपर 1/2 स्पून, बड़े स्पून से मैंने टेबल स्पून से 1/2 स्पून लिया है। और यहाँ पर लिया है मैंने गुलाब के पत्ते, गुलाब के पंखड़ी हैं ये, मीन्स जो हमारे रेड रोज होते हैं उसको ड्राई करके जो सुखा के रखते हैं उस वाले ड्राई गुलाब के पंखड़ी हैं। और साथ में साथ यहाँ पे जावित्री का फूल लिया है मैंने, 2-4 लिए हैं। और यहाँ पे मैंने लिया है शाह ज़ीरा, 2 स्पून लिए हैं। और इलायची यहाँ से 8 से 10 इलायची, हरी इलायची ली है। और यह जाफल बोलते हैं जो बड़ा सा होता है, मैं इसको यहाँ पर क्रश कर लिया, मीन्स कुचल दिया, इसको पीसेस में कट कर लिया। अब इसको मैं करती हूँ एक फाइन सा पाउडर, विदाउट वाटर पानी डाले, बिना पानी के इसको सूखा पाउडर बनाएंगे। इसको मैं पाउडर बना देती हूँ। और साथ ही साथ यहाँ पे मैंने चिकन लिया है जो 1/2 kg चिकन है। अब इसको मैं मैरिनेट करने पे लगा देती हूँ। मैरिनेट करने के क्या क्या चाहिए मैं आपको ये भी बता देती हूँ साथ ही साथ। तो यहाँ पर मैंने पहले सॉल्ट लेती हूँ, सॉल्ट को 1 स्पून मैंने सॉल्ट लिया है जो चिकन में ऐड करने वाली हूँ। और साथ ही साथ यहाँ पर मैंने लेमन जूस लिया है, वो वाला भी मैं चिकन पर ऐड कर दूँगी। और 1 लेमन का जूस लिया है जो मैंने अभी ऐड करा है। और मैंने ऑरेंज फूड कलर लिया है, आपको मैं फिर से बता देती हूँ, ऑरेंज फूड कलर है वो वाला भी मैंने यहाँ पे ऐड करना है। और चिकन को 1/2 आवर तक मैंने फ्रिज में रखना है। इसको अच्छी तरह पहले हम मिक्स कर देंगे, मिक्स करने के बाद हम 1/2 आवर चिकन को फ्रिज में रख देंगे ताकि सॉफ्ट हो जाएगी चिकन, इसलिए मैं 1/2 आवर चिकन को उसमें रख देती हूँ फ्रिज में, ठीक है। उसके बाद हम दूसरे इंग्रेडिएंट्स की तैयारी करेंगे। वहाँ पे मैंने चिकन को मैरिनेट करके रख दिया। और साथ ही साथ जो मैंने आपको बिरयानी वाले अरसलान कलकत्ता बिरयानी बनाने के जो मसाले दिखाए थे उसको मैंने फाइन पेस्ट बना लिया है। अच्छी तरह देखिएगा, इस तरह का पेस्ट बना लिया। यहाँ पे लिया है मैंने 4 आलू, आलू को भी अब हम करेंगे, मैं इसको भी मैरिनेट करने का दिखा देती हूँ। यहाँ पर लेंगे 1 कप दही, पहले मैं यहाँ पर 1 कप दही लूँगी। और यहाँ पे मैंने 2 स्पून चिली पाउडर लिया है। और यहाँ पे जो हमने बिरयानी मसाला तैयार करा था, जो स्पाइसी पाउडर बनाए थे, वो वाले मैंने 2 स्पून लिए हैं, वो भी इसी में हम ऐड कर देंगे। और यहाँ पे मैं फूड कलर, ऑरेंज फूड कलर दोबारा ले लिया है और ये भी इसी में ऐड कर दूँगी। और साथ ही साथ यहाँ पर टेस्ट अकॉर्डिंग सॉल्ट 1 स्पून लिया है मैंने। और यहाँ पर हम डालेंगे थोड़ा सा पानी, मीन्स 1 कप पानी लीजिएगा। और इसको अच्छा सा मिक्स दीजिएगा ताकि ये दही फटे फटे जैसा रहता है उसको नहीं होना चाहिए, कि अच्छे से मिक्स कर लें। तो यहाँ पे देखिएगा मैंने हाथ से इसको अच्छी तरह घोला है ताकि ये जो दही फटे फटे जैसी रहती है उस तरह नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने अपने हाथों से अच्छी तरह इसको मिक्स कर दिया। और यहाँ पर मैंने छोटे छोटे पोटैटोज देखे हैं, वो वाला इसमें मैं ऐड कर दूंगी। अगर आपके पास बड़े हैं तो उसको हाफ ऑफ करके भी इसमें डाल सकते हैं। अब इसको मैं 75% से 80% तक इसको हम बॉईल कर लेंगे। यहाँ पे मैंने रख दिया है बॉईल होने के लिए, बॉईल करेंगे हम 80% तक इसको अच्छी तरह पटेटो को। अगर आपके पास बड़े पटेटो हैं जैसे मैंने कहा था कि हाफ ऑफ करके फिर बॉईल कर लीजिएगा। और मैंने बिरयानी मसाला भी यहाँ पे ऐड करा था, आपको दिखाया था, ये वाले बिरयानी मसाला जैसे मैं आपको इंग्रेडिएंट्स दिखाई थी उसके साथ बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी के साथ और खुशबूदार बनेगा। ज़रूर ट्राई करके देखिएगा अरसलान कलकत्ता बिरयानी, आपको अच्छी लगेगी। और रमज़ान में माशाल्लाह बहुत ही अच्छी बनती है, ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे मैंने आलू को देखिएगा अच्छी तरह बॉईल कर लिया है। और साथ ही साथ थोड़ा सा मसाला है, कोई बात नहीं, आलू ऐसे ही रखने देते। मैं करती हूँ आलू को एक साइड में। और यहाँ पे ले लिया है मैंने एक कढ़ाई, कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल लिया है, ज़्यादा ऑयल नहीं डालिएगा, बस चिकन फ्राई करके निकालना है तो थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और थोड़ा थोड़े से पीसेस डाल के फ्राई करेंगे। अगर हम एकदम डाल देंगे तो पानी निकल जाएगा, वैसे भी पानी रिलीज़ करता है चिकन, तो हम 4-4 पीसेस करके फ्राई करके चिकन को हम निकाल लेंगे। जो कढ़ाई हमारी अच्छी गर्म हो गई है, अब हम डालेंगे चिकन पीसेस। यहाँ पे मैं लेके आ गई हूँ चिकन, आप देख सकते हैं जैसा हमने मैरिनेट करके रखा था, मैंने 1/2 आवर तक इसको फ्रिज में रखा था। हम ये करने के बाद अब हम एक एक पीसेस लेंगे और इसमें अच्छी तरह फ्राई करके निकाल लेंगे।
पे मैं चिकन पीसेस डाल दिए हैं। अब इसको अच्छी तरह एक तरफ से फ्राई कर लेंगे और फिर बाद में पलटेंगे। एकदम पलटना नहीं है इसको डालते ही। डालने के बाद हम 75% तक पहले अच्छी तरह नीचे की तरफ से फ्राई कर लेंगे, फिर उसके बाद दोबारा पलट के फिर यहाँ से फ्राई कर लेंगे। तो फ्राई करने के बाद निकाल लेंगे। देखिएगा मैंने यहाँ पे थोड़ा सा लिया है, बाकी थोड़ा सा यहाँ पे इसमें थोड़ा सा ही ऑयल डालिएगा और कड़क फ्राई करके निकालिएगा। जब भी वो जो हमारी रेसिपी है आसमान कलकत्ता बिरयानी वो अच्छी सी बनेगी। यहाँ पे मैंने चिकन को फ्राई करके निकाल लिया। आप देख सकते हैं कि किस तरह मैंने गोल्डन गोल्डन फ्राई करके निकाला। आप इसी शेप पे निकालिएगा। एकदम लजीज कलर और गोल्डन प्यारा सा सुनहरा सा कलर मैंने फ्राई करके निकाला है। आप भी इसी कलर से निकालिएगा। और मैंने यहाँ पे डाल दिया नेक्स्ट राउंड। अब इसका जो पानी है हम इसको फेंकेंगे, एक साइड में रख देंगे। ये वाला वाटर हमें चाहिए था। हमने चिकन पूरी फ्राई करके निकाल लिया। आप देख सकते हैं मैंने गोल्डन सुनहरी रंग के साथ फ्राई करके निकाला है। अच्छा, ये वाला ऑयल जो है अभी गर्म हो रहा है, तो अब हम यहाँ पे डालेंगे जो हमने आलू को जो उबाल के रखे थे वो वाले आलू जो है इसमें फ्राई करके निकालेंगे। तो मैंने इस वाली कढ़ाई को इसलिए चूज़ करा ताकि ये है ना करारी करारी फ्राई करके देखिए। तो अगर आपके पास ये है तो इस पर फ्राई करके निकालिएगा, यानी तो नॉन स्टिक पर फ्राई करके निकाल सकते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पे चार आलू लिए हैं। आई इसका मतलब ये नहीं कि आप भी चार आलू ही लिए, आपको कितना चाहिए आप इतना आलू ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे चार आलू, मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए था क्योंकि मेरे पास चिकन ज़्यादा था, तो मैंने इसके हिसाब से मैंने खाली 4 पोटैटो लिए। अगर आप लोगों को चाहिए तो और थोड़ा सा ज़्यादा ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको भी फ्राई करके निकाल लेना है। अच्छा, ये वो आलू का जो मसाला बाकी रह गया इसको भी हम रख लेंगे साइड में, ये भी हमें चाहिए था। और वो जो चिकन मैरिनेट करके रखे थे वो भी हम रखेंगे, वो भी हमें चाहिए। क्यों, तो हम दोनों को यहाँ पे साइड में रख लेंगे, ये वाले चाहिए हमें। तो यहाँ पे देखिएगा मैंने चिकन मैरिनेट करके रखा था, वो वाला मसाला भी यहाँ पे है। जो मैंने आलू को उबाला था वो वाला मसाला भी यहाँ पे। तो अभी हम आलू फ्राई करके निकाल लेते हैं अभी। तो यहाँ पे आलू भी फ्राई हो चुके हैं। अब हमने निकाल लिया है यहाँ पे आलू भी। अब हम यहाँ पे बड़ा सा बर्तन ले लिया जिसमें हमें अखनी बनानी है, वो वाला बर्तन ले लेंगे। और यहाँ पे डालेंगे पहले हम जो चिकन और साथ ही साथ पोटैटो फ्राई करके निकाला था वो वाला ऑयल जो बाकी रह गया है, वो वाला ऑयल जो है हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। तो ये वाला ऑयल भी मैंने यहाँ पे डाल लिया है। इसका मसाला जो है बड़ा अच्छा लगता है। तो इसके साथ साथ हमने जो मैरिनेट करके रखा था वो वाला मसाला चिकन का बाकी रह गया था वो भी हम इसी में ऐड कर लेंगे। और साथ ही साथ जो पोटैटो का मसाला रह गया था वो वाला भी हम इसी में ऐड कर लेंगे। यहाँ पे ये वाला मसाला भी डाल लिया हमने। यहाँ पे मैंने बड़ा सा पीस एक दालचीनी का लिया है, वो वाला भी ऐड कर दूंगी। और 3 से 4 इलायची लेते हैं, वो वाले भी इसमें ऐड कर देंगे। और साथ ही साथ जिंगर गार्लिक का पेस्ट बड़े वाले चम्मच से हम 2 चम्मच ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैं ये वाला चम्मच यूज़ कर रही हूँ, इसमें से मैं 2 चम्मच डाल दूंगी। जिंगर एंड गार्लिक पेस्ट फ्रेश पिसा हुआ मैंने अभी ऐड करा है इसमें। और साथ ही साथ यहाँ पे डालेंगे हमें फ्रेश क्रीम मलाई। आपके पास क्रीम है तो वो वाला भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने जो दूध पे की मलाई होती है वो वाली ऐड करी। अगर आपके पास मलाई नहीं है तो फ्रेश क्रीम ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर लिया है मैंने 1 बोन में खोया मीन्स खवा, वो वाला भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब इसको सारा हम घोल बनाएंगे, इसके साथ ही साथ सॉल्ट। तो हमने यहाँ पे सारे इंग्रेडिएंट्स को ऐड कर दिया। अब हम इसको साथ ही साथ डालेंगे जिस कढ़ाई में हमने आलू को उबाला था उसी मसाले में। थोड़ा सा पानी ऐड करा था मैंने लगभग 1/2 कप। तो इसके साथ साथ हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये खोया जो है इस तरह मेल्ट होना चाहिए, इसमें मेल्ट कर देंगे। और साथ ही साथ जो ये मसाले वगैरह हैं उसके साथ हम पूरी तरह मेल्ट कर लेंगे। मैं हमेशा हाथ की मदद से करती हूँ क्योंकि चम्मच इतना काम नहीं आता जितना हमारा हाथ चलता है। तो यहाँ से हाथ से मैं पूरी तरह अच्छी तरह मिक्स कर देंगे इसको। तो यहाँ पे देखिएगा मैंने किस तरह अच्छी तरह मेल्ट कर लिया इसको, खोए को और जो अब गार्लिक पेस्ट जिंजर पेस्ट वगैरह था सबको मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया। अब यहाँ पे हम चिकन को अच्छी तरह बिछा देंगे। यहाँ पे हमने अच्छी तरह चिकन को बिछा दिया। अब मैं यहाँ पे बंद कर देती हूँ और बना देते हैं 10 मिनट तक। इसको मैं अच्छी तरह पका लेती हूँ लो फ्लेम पे, ठीक है। यहाँ पे हमने अपनी को जो हमने बनाया था वो वाला पकने लग गया है और यहाँ पे हम तैयार।
तैयार करेंगे चावलों का पानी। चावलों के पानी पहले यहाँ पे मैंने बड़े से बर्तन में पानी पकड़ लिया है और यहाँ पे मैं डालूँगी दालचीनी के 2 पीसेस और यहाँ पे मैं हरी इलायची 4 डालूंगी और तेज़पत्ते 2 ऐड करेंगे और टेस्ट अकॉर्डिंग जितने हमें चावल चाहिए उसके टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट ऐड कर लेंगे। यहाँ पे हमारी जो अखनी है अच्छी तरह पकने लग गई है तो अब हम यहाँ पे आलू जो है अच्छी तरह इसमें फिक्स कर देंगे। चिकन के बीच बीच से हमारे आलू जो है इसमें फिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे हमने आलू को अच्छी तरह फिक्स कर दिया, जो हमने बिरयानी को मसाला तैयार किया हुआ था ऑलरेडी, तो वो वाला बिरयानी का मसाला यहाँ पे मैंने 1 स्पून छिड़क दिया है और साथ ही साथ हम यहाँ पे ऐड करेंगे तली हुई प्याज, जो यहाँ पे ऐसा करारी तली हुई होती है वो वाली प्याज हम यहाँ पे थोड़ी सी ऐड करेंगे और थोड़ी सी बचा लेंगे, फिर ऊपर गार्निशिंग के टाइम पे भी हमें ऐड करना है। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी ऑनियन भी डाल लेती हूँ। अच्छा, ये वाली ऑनियन आपको किस तरह इस तरह करारी फ्राई करनी है आप लोगों को चाहिए इसकी रेसिपी तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, आपके साथ में ये वाली रेसिपी भी ज़रूर शेयर करूँगी। अच्छा, ये वाली मेरी अरसलान कलकत्ता बिरयानी आप लोगों को कैसी लगी बॉक्स में बताइएगा, अच्छी लगी तो फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कर लीजिएगा, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा। तो यहाँ पे हमने बिरयानी ऑनियन ऐड कर दिया अखने के ऊपर, फिर हम यहाँ से बंद कर देंगे, 2 मिनट पकाएंगे, फिर हम इसको कर देंगे साइड में और चावल हमारे हम 80% तक उबाल लेंगे। यहाँ पे मैंने पानी रख दिया, आपको दिखा दिया मैंने क्या क्या डालना है। तो यहाँ पे हमें 2 मिनट या 3 मिनट के बाद हम इसको स्टोव बंद कर देंगे, फिर हम चावल 80% तक कुक कर लेंगे। यहाँ पे हमने ऑनियन ऐड करने के बाद यहाँ पे डालेंगे हम देसी घी, आप किसी भी ब्रांड का अपनी अच्छा वाला घी ले लीजिएगा। यहाँ पे मैंने 3 स्पून ऐड करा है अच्छा वाला घी 1 कप भर के, इस वाले कप से 1 कप भर के मैंने यहाँ पे घी ऐड करा है। यहाँ पे ये वाले पक रहे हैं तो तब तक हम एक मीठा सा जो कलर फूड है वो ऐड कर लेंगे, मिक्स करके रख लेंगे। यहाँ पे वो फ्रेश वाली जो मैंने फ्रेश क्रीम ऐड करी थी वो वाली भून लिया है और यहाँ पे जो हमने बिरयानी का मसाला तैयार करके रखा था वो लेंगे हम भर के एक स्पून लेंगे। तो उसके बाद साथ ही साथ हम डालेंगे यहाँ पे थोड़ा सा फूड कलर, आप चाहे जो भी फूड कलर ऐड कर सकते हैं, अगर आपको फूड कलर पसंद नहीं है तो स्किप कर सकते हैं और साथ ही साथ वो ज़ाफ़रान का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है बिरयानी जो हमने मसाला ऑलरेडी रेडी करा था ये वाला मसाला, यहाँ पे मैंने 1 स्पून भर के लिया है और साथ ही साथ फूड कलर लिया है और यहाँ पे मैं 2 बूंद केवड़ा वाटर एंड 2 बूंद रोज़ वाटर थोड़ा सा ले लेंगे, ठीक है। आप अगर आपके पास ये वाला नहीं है तो आप इसको मीठा सा इतर जो होता है वो वाला भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं ले रही हूँ अभी भी रोज़ वाटर, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा रोज़ वाटर लेना है और साथ ही साथ मुझे लेना है थोड़ा सा केवड़ा वाटर, तो इससे ना खुशबू अच्छी आती है और रेसिपी की टेस्ट जो है दुगनी हो जाती है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा केवड़ा वाटर एंड थोड़ा सा रोज़ एसेंस लिया है। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करना है, आप चाहे तो गुनगुना दूध भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पर वाटर ऐड कर रही हूँ, थोड़ा सा वाटर ले कर इसको अच्छा सा एक मिक्सचर बनाएंगे। यहाँ पे देखिएगा हमारा फूड कलर एंड मसाला रोज एसेंस एंड केवड़ा वाटर डाल के हमने अच्छा सा एक रेडी कर लिया। ऊपर हम ऐड करेंगे जो फूड कलर ऐड करते हैं उसके बिना ये ऐड करेंगे, हम कर लेते हैं इसको साइड में। और यहाँ पे मैंने नींबू के छिलक 2 रखे हैं, ये वाले मैंने जो गर्म पानी बना रही हूँ चावल का इसी में ऐड कर देंगे। देखिएगा यहाँ पे पानी तैयार है तो मैं यहाँ पे नींबू के छिलक भी डाल देती हूँ। इसकी वजह से नींबू के छिलक हम इसलिए ऐड करते हैं ताकि हमारे चावल जो है फूटे नहीं और गले नहीं। साथ साथ हम डाल लेंगे 1-2 स्पून ऑयल का भी ऐड कर लीजिएगा आप। यहाँ पे हमने जो पानी गरम को रखा था वो वाला पानी अच्छी तरह पक गया है, आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह उबाल आ गया। इस तरह उबाल आने के बाद जो मैंने चावल सोख करके रखा था, मीन्स पानी में डाल के मैंने ऑलरेडी रखा था बिफोर 1/2 आवर, तो ये वाला पानी पूरा हम यहाँ पे निकाल देंगे, उसके बाद हम उसमें चावल ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैं चावल ऐड कर रही हूँ, ऑलरेडी हमने साल्ट वगैरह सब कुछ ऐड कर दिया, पानी मैंने बिल्कुल नहीं रखा इसमें। अच्छी तरह पानी छानने के बाद मैंने यहाँ पे चावल को ऐड कर दिया। मैंने लिया है यहाँ पे बासमती ली हूँ, अगर आप चाहे तो किसी भी ब्रांड का कोई सा भी राइस ले सकते हैं अपने हिसाब से। यहाँ से मैंने लिया है बासमती राइस, आप चाहे तो अपने घर के नॉर्मली राइस भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 80% तक चावल को कुक कर लूँगी और झन्नी की मदद से सारा पानी ड्राई आउट कर देंगे।
तो यहाँ पे 80% हमारे चावल जो है कुक हो गए हैं, देख सकते हैं आप। मैंने इस जल्दी की मदद से ड्राई आउट कर लिया। अच्छा, ये वाले आपको चाहिए तो आप रख सकते हैं, यानी तो इसको साइड में कर दे सकते हैं। ये और नींबू के छिलक अगर आप लोगों को अच्छे लगे तो रख लें, यानी तो साइड पे कर दें। ये वाली अखनी के ऊपर ही मैं डाल रही हूँ चावल, जो हमने ऑलरेडी अखनी को उबाल के रखा था, मीन्स पका लिया था, आलू और चिकन वगैरह मसाला डाल के उसी के ऊपर हम चावल को ऐड कर देंगे। पूरे वाले चावल डाल देंगे, इसमें कोई मिक्स नहीं करना है, ऐसे डायरेक्टली पूरे चावल डाल देंगे। अच्छा, मेरी चावल की क्वांटिटी देखिएगा आप, अलग अलग चावल हैं, इस तरह होना चाहिए, यानी तो हमारे चावल चिपचिपाए हो जाएंगे। इसीलिए मैंने कहा था कि 80% कुक करें और 20% को बैलेंस रख दें, ताकि हम इसमें बाद में कुक कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने चावल को पूरा इसमें ऐड कर लेती हूँ। अच्छा, तो हमने यहाँ पे चावल पूरी तरह डाल लिया। हमने जो टेक्सचर तैयार करके रखा था, कलर फूड कलर वगैरह डाल के मसाला हमारा बिरयानी का, तो ये वाला इसमें हम ऐड कर देंगे। ये मसाला जो बिरयानी का हमने बनाया हुआ था, उसके बहुत अच्छी खुशबू आती है और लुक भी माशाल्लाह बहुत अच्छा देता है। इसके साथ साथ हमारा कलर भी है, टेक्सचर भी बहुत अच्छा आता है और टेस्ट तो मैं आपको क्या बताऊं। आप लोग ज़रूर ट्राई करके देख लीजिएगा, फिर आप लोगों को ही पता लग जाएगा कि इसका कलर कितना प्यारा है। यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ देसी घी, अगेन 2-3 चम्मच मैं यहाँ पे ऐड करूँगी। यहाँ पे हमने कलर भी ऐड कर लिया। अच्छा, हमने जो बाकी की थोड़ी सी ऑनियन रख ली थी, वो वाली भी यहाँ पे हम गार्निशिंग कर देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ना मैंने टमाटर का इस्तेमाल करा, ना हरा धनिया का, ना पुदीने का, ना कुछ अदर का, किसी का भी नहीं इस्तेमाल करा, बस ऐसे ही बना दिया। कितना अच्छा लुक दे रहा, आप लोग ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। अच्छा लगा तो फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर कर लीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बता भी दीजिएगा। तो यहाँ पे मैं दम को डाल देती हूँ। अभी मैं इसको 10 से 15 मिनट तक इसको दम पे रखूँगी, फिर दम हो जाएगी, लो फ्लेम पे रखिएगा। दम होने के बाद हम कर लेंगे सर्विंग। तो यहाँ पे मेरी बिरयानी जो है मुकम्मल तैयार हो गई है, अब हम कर लेंगे सर्व। तो यहाँ पे हमारी, यहाँ पे अरसलान कलकत्ता चिकन बिरयानी तैयार है। आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। लजीज, माशाल्लाह टेस्टी में तो बहुत खूबसूरत और बहुत मज़ेदार है, आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। अच्छी लगी तो फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कर लीजिएगा। इसमें आप लोगों को कुछ डाउट्स है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। आप लोगों को अच्छी लगी तो फैमिली और फ्रेंड्स में भी साथ साथ शेयर कर लीजिएगा, आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। और रमज़ान में बहुत अच्छी बिरयानी बनती है ये, आप लोग ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। ये वीडियो पसंद आ गई है तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।